हाय, ट्रेडल में आपका स्वागत है। आपने देखा कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, डेमो भी देखा। अगर आप इस वीडियो में आ रखे हो तो आप रियली सीरियस हो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। एंड इफ यू आर सीरियस, अब आप सीरियस काम करना स्टार्ट करते हैं। एल्गो एक्चुअली कैसे बनाना है, जीरो से यहाँ इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है, एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो थोड़े इंस्टॉलेशन करने होंगे हमें, तो चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे हमारे कंप्यूटर में। दूसरा पार्ट है, हम एपीआई लेंगे। एपीआई कौन से ब्रोकर का लेंगे? हम लेने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग वेल रेप्यूटेड कंपनी है और उनका एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ्री में एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बिना भी एक रुपया दिए हुए या बिना एक रुपया रिस्क किए हुए। दी थर्ड पार्ट, हम लोग एंजल ब्रोकिंग से डेटा लेकर आएंगे। अगर हम वहाँ से डेटा ला सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज ला सकते हैं, तो आप और भी बना सकते हो, ओपन हाई लो क्लोज बना सकते हो, लेवल ट्रेडिंग कर सकते हो, तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। आगे भी हम लोग और डेटा लाएंगे, RSI, सुपर ट्रेंड, हिस्टोरिकल, कैंडल डेटा, 500 चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो तीन स्टेप्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। जो अभी मैं फाइल्स यूज़ करने वाला हूँ, ट्रेडल यूट्यूब का फोल्डर है, ठीक है, ये सारी फाइल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी, तो आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड करो, सीधे स्टार्ट करना, यूज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो अभी हमें इंस्टॉलेशन करना है, तो इस फाइल में लॉग इन एंड डेटा में जाओ, इंस्टॉलेशन में जाओ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है पाइथन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पाइथन की फाइल है, जैसा मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही करो। ठीक है, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना। यस करो इस चीज़ को। यहाँ पे जो बटन दिया है एट पाइथन 3.62 पाथ, इसको चेक करो। अगर आप इसको चेक नहीं करोगे तो पाइथन अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा। ओके, इंस्टॉल नाउ क्लिक करो, इंस्टॉल हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, अभी इसको क्लोज करो। ठीक है, सेकेंड स्टेप है, लाइब्रेरीज डॉट बैट दे रखा है, इसमें राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ठीक है, ये आपके लिए इंस्टॉल करेगा चीज़ें। ठीक है, ये आ गया, मतलब कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसको क्लोज करो। तीसरा स्टेप है, हमें सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करना है, तो राइट क्लिक, रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सेम चीज। एक्चुअली ना कुछ ज्यादा करने का है नहीं, सेम ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। डन, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, तो इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो थोड़ा थांबा, मेहनत सफल तेजी गुरुकुल आहे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लॉग इन करेंगे, एंजल ब्रोकिंग का एपीआई क्रिएट करेंगे फ्री में, एंड फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लॉग इन एंड डेटा में आपको आना है ट्रेडल एंजल फाइल। ठीक है, ये फाइल हमने आपको दे रखी है, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट करो। बाई डिफॉल्ट सारी पाइथन फाइल आपकी सबलाइम टेक्स्ट से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करो, एंड लुक अनदर एप इन पीसी, सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल, एंड इसको क्लिक करो, exe को, डन। इससे क्या होगा, अब जितनी भी पाइथन की फाइल्स हैं वो आपकी सारी सबलाइम टेक्स्ट से ओपन होंगी। ओके, तो अभी मुझे क्या बनाना है, मुझे सिंपल मेरा एक एपीआई बनाना है, तो मैं इस यूआरएल पे जाऊंगा, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे पहले मैं साइन अप कर लूंगा, साइन अप करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो आप डालो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आईडी पासवर्ड है इस स्मार्ट एपीआई का, ठीक है, उसको रखेंगे। एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ना ऑलरेडी एपीआईज हम काम करते हैं तो है हमारे पास, पर मैं आपको एक फ्रेश एपीआई बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस पेज पे क्लिक करना है, क्रिएट एन ऐप पे। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है ट्रेडिंग एपीआई। ठीक है, अपने एपीआई का नाम रख दो, मैं बोलूंगा कि ट्रेडल एंजल एपीआई, मान लीजिए वर्जन 2 रखता हूँ। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो नाम। दूसरा पार्ट है, रीडायरेक्ट यूआरएल मांग रहे हैं। अब ये क्या होता है ये हम देखेंगे आगे, अभी के लिए आपको स्टैटिक google.com डालना है। ठीक है, ट्रेडल एंजल फाइल के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है ऑलरेडी, इसके अंदर ये सब दे रखा है मैंने। रीडायरेक्ट यूआरएल पे डालो और यहाँ पे अपनी क्लाइंट आईडी दो जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा इस अकाउंट के साथ एक L384, ठीक है, इस अकाउंट के साथ मैं कनेक्ट कर सकूँ, तो इसका नाम देंगे खत्म और क्रिएट ऐप करेंगे। ठीक है, वन से करता हूँ, तो अभी मैंने मेरे अपने इस अकाउंट के लिए एक एपीआई बना लिया है, हो गया खत्म। ठीक है,
अब मैं इसमें लॉग इन कैसे कर सकता हूँ? अगर देखो मैं इसके अंदर लॉग इन कर सकता हूँ ना, तो मैं मेरे अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता हूँ, मतलब कि अभी क्या डेटा आ रहा है, ऑप्शंस में क्या डेटा है, एलटीपी क्या है, फंड कितना है, ऑर्डर कौन से लगे, एंड टू एंड। एपीआई यही चीज़ करता है। एपीआई का मतलब होता है कि आप अपने अकाउंट से पूरा कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो अब हमें लॉग इन करना है, तो लॉग इन करने के लिए जो अभी मैंने एपीआई बनाया है उसका मैं ये होता है एपीआई की, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और अब मैं इस फाइल में आऊँगा ट्रेडल एंजल फाइल के अंदर, ठीक है। लाइन नंबर 18 पे मेरी एपीआई की डाल रहा हूँ, इसके अंदर स्पेस बार नहीं देना लास्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखना वरना नहीं चलेगा, स्पेस बार हटाओ। फिर बाद में जो भी आपका अकाउंट है उसका आईडी पासवर्ड आप इसमें रखोगे, ठीक है। तो मेरा अकाउंट है उसका आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इस आईडी पासवर्ड को कोई अटेम्प्ट करना नहीं, क्योंकि जब तक वीडियो अपलोड होगी तब तक ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल के दिस इज द आईडी पासवर्ड, हो गया। तो ये मैंने ट्रेडल एंजल फाइल अपनी बना ली। अब मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, तो अब मैं खोलूंगा लॉग इन डॉट पाई की फाइल, ठीक है। तो इस फाइल में मैंने लॉग इन का कोड आपके लिए लिख रखा है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट एंटर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पाई वन डॉट और मैं टैब का बटन दबाऊंगा, स्पेस बार का बड़ा भाई होता है, टैब दबाओ, लॉग इन डॉट पाई आ गया। अब आप इसको रन करोगे, अच्छा पी वाई लिखने दे, गलतियाँ, पाई लिखो और लॉग इन डॉट पाई रन किया और आपका लॉग इन सक्सेसफुल हो गया। मतलब कि आप अब अपने अकाउंट में लॉग इन कर चुके हो, ठीक। सो दिस इज इट। तो वंस हम यहाँ पे अगर लॉग इन कर चुके हैं तो अब हम लोग आगे काम कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पोर्शन इज, तीसरा काम, हमने इंस्टॉल किया, ये किया, वो किया, तीसरा काम है सबसे मेन काम, अब डेटा लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर डेटा आ गया, एलटीपी ओपन है, लो क्लोज आ गया, तो आगे खेलना स्टार्ट करेंगे, एल्गो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको ओपन करनी है फाइल नंबर 2 सिंगल डेटा डॉट पाई। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो अगर आप कुछ नहीं भी लिखते हो ना, सीधे चला चला के देखो ऐसे भी चल जाएगा, बस थोड़ी मेहनत तो करनी है हर किसी को। फाइल नंबर 2, ठीक है। एंड ये जितनी फाइल्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल रिटन बाय आर टीम, तो ये ट्रेडहल की टीम की तरफ से दिस इज फॉर यू। तो अगर आप ना सिंपल इसको यूज भी करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट सी इट, सिंगल डेटा डॉट पाई कर रखा है मैंने। देखो क्या करना है, मैं आपको ना लाइन बाय लाइन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सब होता भी क्या है। नहीं, तो पहली चीज़ है, इसमें लिखा है इम्पोर्ट ट्रेडल एंजल फाइल एस TAF, ओके। मतलब कि ट्रेडल एंजल फाइल को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब इसको पूरा रीड कर रहे हैं, और ये TAF क्या है, ये इसका शॉर्ट नेम है, निक नेम होता है किसी का वैसे ही, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज, एंजल का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये देखेंगे हम आगे इसका क्या मतलब होता है। एंजल की फाइल में से हम लोग हमारा एंजल ब्रोकिंग का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। दी लाइन नंबर 5 ये बोलता है कि आप ट्रेडन की एंजल फाइल में जाओ, वहां से ना मेरे लिए एलटीपी लेकर आओ। एलटीपी किसका लाना है, मैं चाह रहा हूँ एनएसी का लेकर आऊँ, और जब एनएसी होता है तो आप ऐसे लिखोगे इक्विटी का नाम और स्लैश इक्विटी, तो ACC इक्विटी, जील इक्विटी, इस तरीके से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए जील का डेटा लेकर आओ, ठीक है, और बाद में आप फिर जील का डेटा मैं आपको प्रिंट कर लूंगा, डन। तो अगर मैं फाइल नंबर 2 चलाता हूँ तो मेरे पास जील का डेटा आ जाएगा, चला के देखें, फाइल नंबर पाई ऑफ 2, ठीक है। देखो ये कैसे करते हैं, पहले आप पाई लिखोगे, फिर आप 2 लिख रहे हो, मेरा फाइल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, और मैं टैब का बटन दबा रहा हूँ, TAB टैब, तो पूरा नाम लिख देगा। मैं एंटर करता हूँ, तो अभी मुझे जील का डेटा आना चाहिए, देखते हैं क्या करेगा। लॉग इन कर रहे हैं, जील का डेटा आ गया, तो जील हमारा चल रहा है 229.45 पे। सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे, बच्चे करें क्या, मार्केट में जील कितने का चल रहा है अभी। मेरे एक बात और भी है, जब मैंने डेटा बुलाया था और अब मैं टाइम बीत चुका है, बट विल सी, ठीक है, आ जाओ भाई। जील तो जील अभी चल रहा है 299.6 और हमें डेटा आया था 299.45, ठीक है। वापस से रन करूंगा, वापस से जील का उस समय जो डेटा चल रहा होगा वो आएगा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ अभी एक बार करके दिखा रहा हूँ, ये सब ऑटोमेट होगा। मैं ना आपको एक्चुअली अगर वर्बली दिखाऊं तो ये ऐसा दिखता है, विजुअली देखो, हमें ना इतनी बड़ी चीज़ बनानी है और ना मैं आपको अभी इतनी सी चीज़ दिखा रहा हूँ, ऐसे करके हम ढेर ढेर सारी चीज़ें बनाते रहेंगे और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप पूरा एल्गोरिथम सीख जाओगे, ठीक है। आपने यहाँ पे डेटा लाना सीख लिया ना, नाउ गुड, ठीक है। अच्छा सर, आपने डेटा लाना तो सिखा दिया, अच्छा है, मुझे एलटीपी भी आ गया,
LTP नहीं चाहिए मुझे ना, थोड़ा OHLC भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए कोड नीचे रख रखा है हमने, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा, ठीक है। दूसरा है OHLC बुलाना है, तो ट्रेडल एंजल फाइल मतलब कि ये वाली फाइल में से, ठीक है, हम OHLC लेकर आएंगे। किसका लेना है, ACC, इक्विटी और NAC, ठीक है। मतलब इसमें आप एक्चुअली अपना नाम दोगे जिसका आप डेटा लेना चाह रहे हो, और NAC उसका सेगमेंट है, ठीक है, और ACC का हम OHLC प्रिंट कर रहे हैं। चला के देखूँ फाइल को, ठीक है, आप देख सकते हो, तो देखो आ गया ACC का डेटा ये है। तो NAC ट्रेडिंग सिंबल ये है, ACC का ओपन है 2253.15, ठीक है, आज का डेट टाइम ये चल रहा है, जाके आप क्रॉस चेक कर लोगे आपको पता चल जाएगा डेट इज करेक्ट, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज आपको यहाँ पे सारी वैल्यू दे रखी है, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। करके देखें क्या, फिर भी ACC विल बी NAC, ठीक है। ACC का ओपन कितना है, 2253.15, चेक करो क्या आ रहा है, क्या 2253.15 एंड लो है 225, लो भी अच्छा, ओपन इज इक्वल्स टू लो ही चल रहा है देखो, एंड हाई इज 2284, हाई इज 2284 बराबर। अब आप डेटा लेना सीख गए हो, अब बाद में ना इसी डेटा के ऊपर हम इफ एल्स लगाएंगे और फिर हम हमारा काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगे डेटा, बट सर मुझे ना इक्विटी का तो हो गया, अच्छी बात है, पर ना मुझे कमोडिटी का डेटा चाहिए, करेंसी का मिल जाएगा तो और अच्छा है। मैं एक्चुअली ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन का डेटा कैसे आएगा, अब ये सब देखेंगे कि बाकी स्क्रिप्ट का डेटा आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। अब आप आओ फाइल नंबर 3 पे, मल्टीपल डेटा, ओके। अब बस इसके अंदर सेम कोड एंजल किया, अब OHLC चाहिए, ACC का, NAC का, NAC का आप ऐसा लिखोगे, अगर आपको BAC चाहिए तो इक्विटी लिखने की जरूरत है, सीधे आप यहाँ पे जिल लिख सकते हो या फिर कोल इंडिया लिख सकते हो, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है देख लेना, ठीक है। NFO चाहिए तो आप ऐसे लिखोगे NFO, और जो भी आपका फ्यूचर का नाम है वो वाली चीज, इसको हटाते हैं, अशोक लेलैंड, NFO ये आ गया। एंड अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन, MCX, तो जो चाहिए ले लो, बस हो गया। यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ सारी OHLC, चलाऊँ देखें डेटा आता है नहीं आता है, तो फाइल नंबर 3 चला रहा हूँ, ओके। तो CMD पाई ऑफ 3, आप डेटा ले सकते हो किसी भी तरीके का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आ गया डेटा, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, आप जिस चीज में एंटर कर रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, आपकी पूरी ट्रेडिंग अपसाइड डाउन हो जाएगी, बाय गारंटी ले लो। यू कंप्लीट दिस सीरीज, और जितना आप ट्रेड करते हो ना, आप भूल जाओगे मैन्युअली ट्रेड करना, गारंटी तो क्या ही दूं, बट समझ लो इट इज टू बिग ऑफ अ थिंग, मैनुअल ट्रेडिंग टक्कर ही नहीं दे सकता एल्गो ट्रेडिंग को, इट इज सिंपल ना, आप मशीन से नहीं जीत सकते हो, इंसान मशीन से नहीं जीत सकता है। हाँ, पर ऐसा भी है, दूसरी भी बात है, लोग बोलते हैं, पर दूसरी बात है, इस मशीन को क्या करना है ना वो हम ही बता रहे हैं, ये मशीन अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा है, हमने ही इसको RSI वगैरह बताया और एग्जीक्यूट ये कर रहा है, जितना स्मूथ मशीन एग्जीक्यूट कर सकती है इंसान की बस की बात नहीं है, ओके। सो हम लोगों ने स्टॉक मार्केट से डेटा ला लिया, किसी भी सेगमेंट का, किसी भी स्क्रिप्ट का डेटा लाया जा सकता है अपने कंप्यूटर में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग देखेंगे कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो एल्गो से, मतलब अगर हम डेटा ला सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो बहुत सिंपल हो गया, एल्गो बन गया, इतना ही होता है एल्गो, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट का वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, आप जाओगे ऑर्डर प्लेसमेंट के वीडियो पे। एंड दूसरी बात देखो, अगर ना ये सब आप अटेम्प्ट कर रहे हो पर अगर कोई परेशानी आई फिर क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आया फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट करो, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कमेंट करो, रियली रियली कमेंट करो, हमने हमारी टीम बैठाई है, दे विल लुक इन टू योर कमेंट, और हम लोग आंसर करेंगे जो भी परेशानी आती, हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको एल्गो ट्रेडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, ओके। ऑर्डर प्लेसमेंट का वीडियो देखने के लिए यहाँ जाओ, मिलते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट पे, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर।